वक्त जिस बच्चे की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम वंश था। जी हाँ, था। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वंश अकाल मृत्यु का शिकार हुआ। पूरा मामला होडल के पतवारी मंदिर का है, जहां देवी जागरण का आयोजन किया गया था। मंदिर में जागरण देखने के लिए मासूम वंश अपनी माँ और मामा के साथ गया था, जहां जैसे ही उसने एक शटर को हाथ लगाया तो उसे करंट का इतना जोर का झटका लगा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन वंश को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिस दरवाजे को वंश ने छुआ था, वहां से बिजली का तार गुजर रहा था जो नंगा था। यही वजह है कि दरवाजे में करंट था, जो सरासर लापरवाही है। जागरण वहां जागरण देखने गया था बच्चा, तो जनरेटर के साइड में तार लगे रहते हैं ना, तो शटर से बैठ रहा था। तो बच्चा जो मतलब बच्चे को जानते नंगे पैर था, तो लगे उसका अनाचक जरा कैसा भी हाथ उस पर लग गया है, चपक गया मतलब चपक गया उसका खून बच्चा मतलब कि पी लिया, तो वही मृत्यु हो गई है ना। मान लिया पता नहीं जागरण हो रहा था, रात की बात है, तो तीन साढ़े तीन बज रहे हो, चलो गो जागरण देखने, रात को गए हो जागरण देखने, तो पर अब पता नहीं रात को वहाँ हिसाब हिसाब करने गया क्या, वहाँ जनरेटर लगा, तो जनरेटर के जो तार है वो शटर में चिप रहे। अब बच्चा क्या पता कि वहाँ शटर में क्या क्या नहीं है, अब वहाँ करंट लगने से। तो आपने इस मामले को थाने में दे दिया है? थाने में दे दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। घटना के बाद मंदिर में हड़कंप मच गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उधर परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मंदिर के पुजारी और जनरेटर ऑपरेटर पर केस दर्ज कर लिया है। ये जो जनरेटर मालिक है इसके खिलाफ और इसका मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम करवाया। सर ये हादसा कैसे कैसे हुआ? ये बच्चा जागरण था यहाँ पर हरि मंदिर होटल पर, वहाँ उसको देखने के लिए गया था ये, और वहाँ जो है चौथी वो था, वो नंगा तार था बिजली का, और वो जो है सिटोर है वहाँ पे, उसमें टच हो गया था शटर में, और फिर ये लड़का वहाँ से टच होने के बाद गया वहीं मर गया। तो सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? ये दो लोगों के खिलाफ है। ये दुखद हादसा करीब रात 3 बजे हुआ। मृतक वंश अपनी माँ के साथ मामा के घर गौतम नगर आया हुआ था। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।